हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच कंपेयर और देखेंगे कि आज के टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है नंबर वन हीरो। तो इसी तरह के कंपेयर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो बर्थ डेट की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का बर्थ डेट 9 दिसंबर 1992 है, जबकि खेसारी लाल यादव का बर्थ डेट 15 मार्च 1986 है। एज की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का एज 30 साल के हो चुके हैं, जबकि खेसारी लाल यादव 36 साल के हो चुके हैं। प्रदीप पांडे चिंटू का बर्थ प्लेस कांदेवली मुंबई है, जबकि खेसारी लाल यादव का बर्थ प्लेस छपरा बिहार है। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच पर्सनल कंपेयर। तो हाइट की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का हाइट 1.75 मीटर है, जबकि खेसारी लाल यादव का हाइट 1.7 मीटर है। वेट की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का वेट 70 केजी है, जबकि खेसारी लाल यादव का वेट 78 केजी है। प्रदीप पांडे चिंटू के फादर का नाम राजकुमार आर पांडे है, जबकि खेसारी लाल यादव के फादर के नाम मंगरूलाल यादव है। प्रदीप पांडे चिंटू के एक भी चाइल्ड नहीं है, जबकि खेसारी लाल यादव के एक बेटा और एक बेटी है। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच फीचर्स का कंपेयर। तो फिल्म फीस की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू एक फिल्म करने के लिए 20 से 25 लाख चार्ज करते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव 40 से 50 लाख चार्ज करते हैं। प्रदीप पांडे चिंटू एक स्टेज शो करने के लिए 5 से 7 लाख चार्ज करते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो करने के लिए 15 से 20 लाख फी चार्ज करते हैं। प्रदीप पांडे चिंटू भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साल 2009 से एक्टिव हैं, जबकि खेसारी लाल यादव साल 2011 से एक्टिव हैं। प्रदीप पांडे चिंटू का डेब्यू फिल्म दीवाना है, जबकि खेसारी लाल का डेब्यू फिल्म साजन चले ससुराल है। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच हिट और फ्लॉप फिल्मों का कंपेयर। तो टोटल फिल्म की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू ने 40 फिल्में की हैं, जबकि खेसारी लाल यादव ने 70 फिल्में की हैं। प्रदीप पांडे चिंटू का 5 फिल्म फ्लॉप रहा, जबकि खेसारी लाल यादव का 12 फिल्म फ्लॉप रहा। प्रदीप पांडे चिंटू का 10 फिल्म हिट रहा, जबकि खेसारी लाल यादव का 25 फिल्म हिट रहा। प्रदीप पांडे चिंटू का 7 फिल्म एवरेज रहा, जबकि खेसारी लाल यादव का 17 फिल्म एवरेज रहा। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच ब्लॉकबस्टर फिल्मों का कंपेयर। तो सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का 5 फिल्म सुपरहिट, जबकि खेसारी लाल यादव का 10 फिल्म सुपरहिट रहा। प्रदीप पांडे चिंटू का 3 फिल्म ब्लॉकबस्टर, जबकि खेसारी लाल यादव का 6 फिल्म ब्लॉकबस्टर रहा। प्रदीप पांडे चिंटू का सबसे बड़ा फिल्म विवाह है, जबकि खेसारी लाल का सबसे बड़ा फिल्म खिलाड़ी है। अपकमिंग फिल्म की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का अपकमिंग फिल्म पिया मिलन चौराहा है, जबकि खेसारी लाल यादव का खेसारी 786 है। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच अवार्ड और कुल संपत्ति का कंपेयर। तो अवार्ड की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू को 5 अवार्ड मिले हैं, जबकि खेसारी लाल यादव को 10 अवार्ड मिले हैं। नेटवर्थ की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू का नेटवर्थ 200 करोड़ का है, जबकि खेसारी लाल यादव का नेटवर्थ 210 करोड़ का है। कार कलेक्शन की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू के पास फॉर्चूनर कार है, जबकि खेसारी लाल यादव के पास भी फॉर्चूनर कार है। प्रदीप पांडे चिंटू को भोजपुरी का रॉकिंग स्टार, जबकि खेसारी लाल यादव को भोजपुरी का हिट मशीन कहा जाता है। अब करेंगे प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच सोशल मीडिया फॉलोअर्स का कंपेयर। देखेंगे कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं। तो इंस्टाग्राम पर प्रदीप पांडे चिंटू के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि खेसारी लाल यादव के 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रदीप पांडे चिंटू के फेसबुक पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि खेसारी लाल यादव के 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रदीप पांडे चिंटू का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जबकि खेसारी लाल यादव के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर 6.55 मिलियन है। प्रदीप पांडे चिंटू
अनमैरिड हैं, जबकि खेसारी लाल यादव के वाइफ का नाम चंदा देवी है। तो आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है और आप किस सुपरस्टार के फैन हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।